जय हिंद मेरे प्यारे देशवासियों, मैं हूं आपका दोस्त रिटायर्ड मरीन कमांडो 2611 मुंबई टेररिस्ट अटैक वॉरियर, 3-टाइम आयरनमैन फिनिशर, मैराथन आयरनमैन कोच प्रवीण कुमार तेवतिया, शौर्य चक्र अवार्डी। दोस्तों, मेरे पिटारे में हमेशा कुछ न कुछ आपके लिए ऐसा निकलता है जो कि अद्भुत होता है। मैं हमेशा आपके लिए कुछ ना कुछ ऐसा लाता हूँ जिसको देख कर या सुनकर आप सरप्राइज रह जाते हो, क्योंकि बात ही ऐसी है, बात है आपके टैलेंट की, बात है आपके अंदर जो छुपा हुआ एक इंसान है जो कुछ करना चाहता है अपने लिए, अपने देश के लिए, और उस तिरंगे को फहराना चाहता है। लेकिन अड़चने कहाँ आती हैं? अड़चने आती हैं कि कोई रास्ता नहीं मिल पाता। मैं यहाँ पर आपको बहुत सारे रास्ते दिखाने आया हूँ, मैं आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताऊँगा कि आप सरप्राइज रह जाएंगे कि ऐसा आपके आसपास में हो रहा है और आपको पता ही नहीं। दोस्तों, हम बात करेंगे आज और एक मैराथन की, वो है दोस्तों मैराथन भोपाल मैराथन। दोस्तों, इस वर्ष इन्होंने हाफ मैराथन को कैंसिल किया है, लेकिन दो रन इन्होंने रखी हैं, वो है दोस्तों 10 किलोमीटर और 5 किलोमीटर। तो हाफ मैराथन यहां पर होती थी, लेकिन इस बार इन्होंने हाफ मैराथन को नहीं रखा है और 10 और 5 किलोमीटर को यहां पर प्रोग्रेसिव और फोकस किया गया। दोस्तों, आप अगर आसपास में हैं, आसपास के क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, तो आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आसपास तो आज पूरा देश ही आसपास में है, आधे घंटे और दो घंटे, दो से ढाई घंटे के अंदर आप देश सिमट गया है हवाई यात्राओं से, आप दो से ढाई घंटे में इंडिया के किसी भी कोने में आप पहुंच सकते हैं। तो भोपाल एक ऐसी डेस्टिनेशन है जो टूरिज्म के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, आप टूरिज्म के लिए भी जाएं और वहां पर आप दोस्तों साथ साथ रन करें, भोपाल रन के अंदर अपना पार्टिसिपेशन करें। जितने भी रनर हैं, मैं उनको कहूंगा कि भोपाल जैसी सिटी आपको रनिंग के लिए नहीं मिलेगी, क्योंकि वहां पर इतनी सारी लेक हैं, इतनी सारी झीलें हैं कि आप देखकर तंग रह जाएंगे, क्योंकि ऐसी ऐसी जगहें हैं भोपाल के अंदर कि आप सरप्राइज रह जाएंगे। ऐसे ऐसे लोग जिन्होंने कभी झील ही नहीं देखी है, उनके लिए भोपाल एक स्वर्ग है। तो हम बात कर रहे हैं आज दोस्तों भोपाल की, भोपाल में जो होने वाली रन है दोस्तों, उसका नाम है दोस्तों रन भोपाल रन। इनकी शुरुआत हुई थी दोस्तों 2015 में, और अब तक कोविड के 2020 सेशन और 2021 को छोड़कर इन्होंने हर बार 21 किलोमीटर, 10 किलोमीटर और 5 किलोमीटर की हर बार यहां पर रन हुई हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरी करनी है, कुछ भी किसी तरह के आपके डाउट हैं, तो आप जाकर www.runbhopalrun.com पर जाकर आप सर्च कर सकते हैं, और कोई भी आपकी शक शंकाएं हैं वहां पर आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। दो कैटेगरी में रन है दोस्तों, पहला है 10 किलोमीटर और दूसरा है दोस्तों 5 किलोमीटर। रजिस्ट्रेशन फीस बहुत ही नॉमिनल रखी गई है दोस्तों, 10 किलोमीटर की है दोस्तों 500 रुपये और 5 किलोमीटर की है दोस्तों 300 रुपये। और सबसे अच्छी बात यह है दोस्तों कि मैं इस मैराथन के अंदर आपके साथ दौड़ूंगा, मैं उस इंसान के साथ दौड़ूंगा जो सबसे पीछे दौड़ेगा, मैं उस इंसान के साथ दौड़ूंगा जो हताश होगा। वो हताश नहीं है, वो मेरे साथ रन करेगा। दोस्तों, आप निराश ना हो, बस आप आगे बढ़ते रहें, और मेरे साथ जो भी रन करना चाहता है, प्लीज रन भोपाल रन के अंदर रजिस्टर करें और मेरे साथ दौड़ने का मौका पाएं। चलिए दोस्तों, आगे बात करते हैं, कहां से शुरुआत होगी? वो होगी दोस्तों टीटी स्टेडियम, यानी कि तात्या टोपे स्टेडियम में, जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट है यहां होगा। और 10 किलोमीटर का जो फर्स्ट प्राइज मनी है दोस्तों, मेल और फीमेल दोनों के लिए है, वो है दोस्तों 50,000 रुपीज, यानी कि 50,000 रुपए। सेकेंड प्राइज मनी है दोस्तों 25,000 रुपए, मेल और फीमेल जो
फर्स्ट सेकंड थर्ड हैं उनको ही प्राइज मनी मिलेगा। सेकंड प्राइज मनी है दोस्तों 25,000 रुपये मेल और फीमेल दोनों के लिए। थर्ड प्राइज मनी है दोस्तों 15,000 रुपये मेल और फीमेल के लिए। चलिए दोस्तों अब यहाँ पर एज कैटेगरी का भी मैं आपको चीज़ यहाँ पर गिनवा देता हूँ। एज कैटेगरी है दोस्तों इनकी 18 से 34 पहली एज कैटेगरी है, दूसरी एज कैटेगरी है दोस्तों 35 से 44 और तीसरी एज कैटेगरी है दोस्तों 45 से 54 और फाइनल जो लास्ट एज कैटेगरी है दोस्तों 54 से अबव, यानी के 54 से जितना ऊपर रहेंगे वो सब एक ही एज कैटेगरी में आएंगे। तो ये जो प्राइज मनी है दोस्तों ये आप इसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करें। और दोस्तों जो भोपाल रन है बहुत ही रेनाउंड बहुत ही स्टैब्लिश मैराथन है और आज तक यहाँ पर बहुत ही अमेजिंग रिकॉर्ड हुए हैं और इसी तरह से आगे भी होते रहेंगे क्योंकि जो मेरे देश का युवा है वो आगे बढ़ रहा है, मेरे देश का युवा है वो कुछ करना चाहता है, मेरे देश का जो युवा है उसके अंदर जोश है जज्बा है जुनून है और जज्बात हैं अपने तिरंगे को फहराने की। तो दोस्तों इसी तरह से आप मेरे साथ में जुड़े रहिए बने रहिए और बहुत सारी मैराथन्स की जो जानकारी है बाढ़ है वो मैं आप तक पहुंचाता रहूंगा। आप देख रहे थे मेरा YouTube चैनल मार्कोस प्रवीण तेवतिया। जय हिंद जय भारत।